व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज एक और न्यू खास वीडियो में। तो फिर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हो बहुत अच्छे, और आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपको बिना पैसे दिए आप अपने अपना खुद का थंबनेल बना सकते हो बहुत अच्छे तरीके से और हाई क्वालिटी में। तो इस वीडियो को लास्ट टाइम तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे लिए भी थंबनेल बना दे या वीडियो बना दे, तुम कैसे थंबनेल बनाते हो। तो मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ इसको लास्ट टाइम तक जरूर देखना। तो ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें आ जाना है अपने PSCC टच में। तो इसमें हमें फ्रेंड डॉक्यूमेंट लेना है 1920 का, और उसमें अपनी फ़ोटो ऐड कर ली, जो भी हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो हम अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं इधर फ्रेंड। तो उसको हमें फ्रेंड सिलेक्ट कर लेना है इधर, फिर हम इसके उसके ओपन सिटी 30 कर देनी है, और फिर इसको अपने हिसाब से मतलब सिलेक्ट मतलब ट्रांसफ़र करना है, एडजस्ट करना है, कैसे भी आपको जैसे रखना चाहो जैसे अच्छा लगे। तो हम अपने इसको एडजस्ट कर लेते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके ठीक कर देते हैं। तो फिर इसकी हमें ओपन सिटी वापस कर देनी है 100। फिर हमें फ्रेंड जानना है इसके शो पॉइंटर को अनेबल करना है, शो पॉइंटर पर क्लिक करके एनेबल हो जाएगा। फिर हमें फ्रेंड पॉलीगन सिलेक्शन टूल लेना है। फिर फ्रेंड्स हमें अपने 6 पिक्सल्स को मतलब कटआउट करना है इस लेयर को। तो हम इसको फटाफट फास्ट ओवर कर देंगे वीडियो, तो ये आप कर लेना जितना भी आपको टाइम लगे। तो हम वीडियो को फास्ट ओवर कर रहे हैं। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपको कैसा लगे थंबनेल वो भी बताना। और फ्रेंड अगर आपको थंबनेल्स आपसे नहीं बन रहे हो, तो फ्रेंड मुझे DM कर देना, मैं आपको चीप प्राइस में थंबनेल बना के दे दूँगा। तो ये फ्रेंड हमारी कटिंग हो रही है, तो मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो आपको समझ में आ जाए जिसलिए। तो ये हमारी कटिंग हो गई फ्रेंड। अब हमें फ्रेंड क्या करना है, इस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके हमें फ्रेंड लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर देना है। फिर फ्रेंड हमें एक हाँ इसको शो पॉइंटर को ऑफ कर देना है, और हमें जो हमारा नॉर्मल मोड उसको ले आना है। अब हमें फिर एक इम्पैक्ट लेयर लेनी है, इम्पैक्ट लेयर लेनी है, फिर हमें वापस ले लेते हैं। तो फिर है ना, फिर हमें इसमें हमें फिल एंड स्ट्रोक देना है। तो हमें स्ट्रोक देना है फिर इसमें, और स्ट्रोक हमें देना है दो दो के दो नंबर से, तो 2 से स्ट्रोक देना है। फिर इसे राइट क्लिक करके ठीक करना है। फिर इसके हमें वो इन्वर्स करना है इसको फ्रेंड। फिर इसके हमें क्लियर कर देना है, जिससे जो हमारी लेयर है वो थोड़ी पतली हो जाएगी, जिससे हमें ग्लो ग्लास इफेक्ट देने में अच्छा लगेगा। तो हमें ग्लास इफेक्ट आपकी जो भी आपको जितना अच्छा लगे उतना कर देना है। तो हम इसको जो भी आपको सही लगे वो कर देना है। तो फिर फ्रेंड्स हमें हमें इसके डिसलेक्ट पिक्सल करना है, और जो हमारी जो फालतू की लेयर आ गई है उसको हमें क्लियर कर देना है, इधर से सिलेक्ट करके क्लियर कर देनी है। और जो फिर हमारी जो नीचे की लेयर है वो बॉडी की लेयर, उसको भी हमें क्लियर कर देनी है। तो ये क्लियर हम कर देते हैं फटाफट। और फ्रेंड प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि कैसे थंबनेल बनाया जाता है पबजी के लिए। तो हम फटाफट लेयर, तो वीडियो हम फ्रेंड बिल्कुल आराम से आपको क्लियरली समझाएंगे पूरा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर आप सीख गए ना, तो फिर आप 2 मिनट का उसका थंबनेल 2 मिनट बनाने में लगेंगे। तो फिर हमें इसको हमें टिंट टिंट देना है, जो हमें कलर देना है इसकी ल्यूमिनस, हमें इसको 0 0 कर देना है बिल्कुल। और जो आपको कलर देना है वो कलर सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमें आसमानी कलर देना है, मतलब ब्लू, नेवी ब्लू। और फिर इसको हमें ग्लो इफेक्ट देना है जिस कलर से हमने इसको टिंट किया था। फिर इसको हमें सिलेक्ट कर देना है, इसकी ल्यूमिनस को मत छेड़ना। उसको हम कर देंगे लिनियन डॉज एड। तो फिर देख सकते हो जो इसमें हमारा पूरा परफेक्ट ग्लो इफेक्ट आ चुका है। अब फिर हमें कुछ नहीं करना, हमारे जो टेक्स्ट को है उसको एडिट करना है। तो हम उसके अपने टेक्स्ट को इधर इधर हम लेके आ जाते हैं टेक्स्ट पिक्सल लेब्स में, जिसमें भी आपने अपने टेक्स्ट को रखा है। तो हमारे ये पिक्सल लेब ये रहा, तो इसका हमारा जो फॉन्ट है ये रहा हमारा फॉन्ट, यू आर आईफोन यूजलेस। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं जैसे भी आपको सही लगे। तो हम बिल्कुल इसको सीधा रखेंगे, ताकि जो हमारा थंबनेल है वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर हम नॉर्मल सा थंबनेल बनाना सिखा रहे हैं फिर, हमें कोई हाईफाई थंबनेल नहीं बनाना हमारी पबजी के लिए। तो उसके सिलेक्ट पिक्सल करने फिर, और उसके हमें ग्रेडियंट देना है वाइट, जो भी आपको ग्रेडियंट अच्छा लगे उस कलर से दे दीजिए, हमें बिल्कुल वाइट देना है। तो हम इसको ग्रेडियंट वाइट बिल्कुल दे देते हैं नीचे लेयर खींच के। और हमें फिर एक एम्प्टी लेयर लेनी है, फिर उसको हमें फिल करना है वाइट रंग से। तो इधर से हम फिल कर देते हैं इसको वाइट रंग से, फिर सिलेक्ट करना है। फिर ये हमें जो हमारी जो फॉन्ट है उसके सिलेक्ट पिक्सल करने हैं, सॉरी हमें सिलेक्ट पिक्सल करने हैं। तो ये सिलेक्ट पिक्सल कर लेते हैं हम ऐसे। हाँ, तो फिर अब फिर ऊपर वाली लेयर में जाके इसको क्लियर कर देना है।
अब फ्रेंड्स हमें एफएक्स में जाके इसको गोजन ब्लर कर देना है, आपको 20 या 25 के बीच में जो भी है गोजन ब्लर कर दो। अब इसको फिर हमें ग्लो इफेक्ट देना है, एफएक्स में जाके हमें ग्लो इफेक्ट देना है इसको वाइट रंग से, ताकि हमारा फॉन्ट है जो बहुत अच्छा से ग्रेडिएंट आ जाए उसमें। तो आप दे सकते हैं जो भी है, आपको जितना अच्छा लगे उतना कर दीजिए। तो हम वापस अच्छे से ग्लो इफेक्ट दे देते हैं, ब्लर बढ़ा दीजिए थोड़ा और ल्यूम इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देना। अब फ्रेंड्स हमें इसको एक्सट्रेट कर देना ऊपर वाली लेयर में ही। एक्सट्रेट करने के बाद इसको फिर नीचे वाली लेयर में आके इसको ड्रॉप शेडो देना है। अब इसको 226 के मतलब सॉरी 326 के अंदर आपको इसको ड्रॉप शेडो देना है, ताकि अच्छा लगे हमारे फोन। इसकी डुप्लीकेट लेयर करनी है ऊपर, इसको फिर हमें गोजन ब्लर कर देनी है फुल, और इसको हम कर देंगे लीनियन डॉज एड। अब फिर इसको वापस वाली नीचे लेयर में आके इसको हम ड्रॉप शेडो देंगे। ड्रॉप शेडो देने के बाद हमारी फ्रेंड जो हमारी अब दूसरा फॉन्ट है उसको लेना है, तो हमारा दूसरा फॉन्ट भी ले लेते हैं। वैसे ही हमें फ्रेंड सेम ही उसी तरीके से इसको एडिट करना है, तो फिर भी हम आप एक बार वो देख लीजिए कैसे करना है। तो इसको एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से और इसको यहाँ रख दीजिए। अब इसके सिलेक्ट पिक्सल करना है फ्रेंड, सबसे पहले इसके सिलेक्ट पिक्सल करने हैं और इसको ग्रेडियंट देना है जो भी आपको इसको कलर देना हो। तो हम इसको ग्रेडियंट दे देते हैं ब्लू रंग का, हमें इसको ग्रेडियंट देना है। तो हम जो पहले एक जो ग्रेडियंट है उसकी हम कलर चेंज कर देंगे डायरेक्ट, आप अपने हिसाब से कर लेना जैसे आपको सही लगे। तो हम इसको वही कलर दे देते हैं और उसको राइट क्लिक कर देते हैं। इसकी डीसिलेक्ट पिक्सल करना है फ्रेंड, पहले हम एम्प्टी ले ले लेते हैं एक, तो इसकी डीसिलेक्ट पिक्सल कर दो। फिर इसको हम फिल कर देंगे जो हमारा ग्रेडियंट है मतलब स्ट्रोक टेक्स्ट का कलर, इसको हिसाब का हमें फिल कर देना है। अब फिर नीचे वाले इसमें जाके सिलेक्ट पिक्सल करना है हमारा, सॉरी फ्रेंड बाबा क्लियर कर देता हूँ, मैं सिलेक्ट पिक्सल करना है और ऊपर वापस हमें जाके ऊपर लेयर में जाके इसको क्लियर कर देना है। अब फिर वही सिस्टम जो हमें वापस इसको ग्लोजन ब्लर दे देना है अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे, और इसको ग्लो इफेक्ट देना है। ग्लो इफेक्ट उसी कलर का देना है जो आपने फॉन्ट का कलर है। फिर इसको फ्रेंड डिसलेक्ट हम इसको हाँ ग्लोजन ब्लर दे के इसको हमें एक्सट्रेट कर देनी है। एक्सट्रेट करने के बाद हमारा फॉन्ट हो गया रेडी। अब इसको हम ड्रॉप शेडो देंगे 326 के बीच में वही जिससे हमें अच्छा लगे, और इसकी डुप्लीकेट लेयर करनी है, उसको हम गोजन ब्लर कर देंगे फुल। तो इससे फिर हमारे टेक्स्ट में ग्लो इफेक्ट आ जाता है। तो इसको हम वापस ड्रॉप शेडो देंगे नीचे वाली लेयर में जो हमारी मेन लेयर है। अब फ्रेंड्स हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो हमारे वो पार्टिकल्स है उसको ऐड कर लेते हैं फ्रेंड, जिससे हमारा थंबनेल थोड़ा अच्छा लुकिंग में आ जाए। तो इसको हमारे ये पार्टिकल्स को ऐड कर लेते हैं, इसको पूरा अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो इसको हम फिर नीचा ले कर इसको कर देना लिनियन डॉज ऐड, और इसकी थोड़ी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देना 50 के बीच में, उसको बिल्कुल नीचे ला के रख देना ताकि ज़्यादा हमें मतलब दिक्कत ना आए, और हमारी जो मेन लेयर उसके थोड़ा ऊपर रखना। ओके फिर इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर हमें इसको अपने LR में एक्सपोर्ट करना है फिर। मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में आप इसको पैक मिल जाएगा जो भी है, तो डाउनलोड कर लेना। और हमें एडोबी जाना है और हमारी जो फ़ोटो है इसको ऐड कर लेनी है। तो ये ऐड हो गई है, अब हमें इसको वापस सेलेक्ट करके मतलब इसको लेना है, और जो हमारा प्रीसेट्स है आपने जहाँ भी रखे हैं तो हमने डायरेक्ट इसको ऐड कर रखे हैं यहाँ पर हमारे सारे प्रीसेट्स। तो सुपर फ्रेंड्स हमें जो हमारे मॉडी येलो है इसको हमें ओके कर देना है। तो हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। बाय बाय फ्रेंड।